हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन दिस से इस दैट अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम एनथोडियम इन फ्लोरिसेंस इज कॉल्ड तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइपेंथोडियम इन फ्लोरिसेंस से जो फ्रूट डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए सोरोसिस ऑप्शन बी साइकोनस ऑप्शन सी कैरियोप्सिस एंड ऑप्शन डी हस्परडियम अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इन फ्लोरिसेंस लेट मी राइट इट ओवर हेयर इट इज इन फ्लोरीसेंस तो सबसे पहले तो इन फ्लोरिसेंस होता क्या है तो बच्चों फ्लावर का अरेजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सेस उसे हम बोलते हैं इन फ्लोरिसेंस सो इट इज द अरेजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सेस राइट अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इन के बारे में तो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इन क्या होता है बच्चों हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इन में जो फ्लैशी रिसेप्टिकल होता है फ्लैशी रिसेप्टिकल ये ग्रो करता है और एक होलो कैविटी बना लेता है होलो कैविटी बना लेता है राइट अब देखो इन फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट इट इज नोन एज कंपोजिट फ्रूट या फिर इसे हम कंपाउंड फ्रूट भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रूट अब ये जो कंपोजिट या फिर कंपाउंड फ्रूट होता है ये दो टाइप का होता है कौन कौन सा एक होता है सोरोसिस फर्स्ट इज सोरोसिस और एक होता है बच्चों साइकोनस सेकेंड इज साइकोनस अब सोरोसिस क्या होता है तो बच्चों जो फ्रूट स्पाइक इन फ्लोरिस से डेवलप हो स्पाइक इन फ्लोरी डेवलप हो उसे हम बोलते हैं सोरोसिस और जो फ्रूट हाइपेंथोडियम हाइपेन थोडियम इन फ्लोरिस से डेवलप हो इन फ्लोरी डेवलप हो उसे हम बोलते हैं साइकोनस अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि हाइपेंथोडियम इन से कौन सा फ्रूट डेवलप होता है तो बच्चों उसका नाम है साइकोनस राइट तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है तो बच्चों सोरोसिस जो है ये इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये डेवलप होता है स्पाइक इनफ्लोरेसेंस से ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कैरियोप्सिस तो ये भी इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि जो कैरियोप्सिस है बच्चों ये डेवलप होता है सुपीरियर मोनोकार्पेलरी मोनो कार्पेलरी ओवरी से ऑप्शन डी में हमें गिवन है हेस्परडियम तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि जो हेस्परडियम है ये डेवलप होता है सुपीरियर पॉली कार्पेलरी ओवरी से राइट right? तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट है तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी दैट इज साइकोनस आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक